गुड मॉर्निंग माय डियर चिल्ड्रन, टुडे आई हैव कम विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज. यू नो टुडे आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 13.5. आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे. दिस एक्सरसाइज यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 257, एक्सरसाइज 13.4. बट बिफोर going directly to the exercise and solving the problem, I will discuss some shape that is cut out from a cone. A shape that is cut out from a cone, that is called frustum of a cone, that you will get on page number 252. There you will see this whole exercise is based on the frustum of a cone. Now, what is frustum of a cone? First, I will tell you. Then, slowly, slowly, I will develop some formula. I will write some formula. I won't be able to prove, but I will write the formula because proof is very lengthy. Now, I am telling you, I am giving you the concept of frustum of a cone. See. Here you see a cone. The cone is ABC. Okay? If you pass a plane, some cutting surface parallel to this BC, the base, at some distance, height from BC, then the shape you will obtain in the bottom, that is called frustum of the cone. Frustum of a cone. The shape is here DECB or BDEC. 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 This is your shape of the frustum of a cone. Now, frustum of a cone, aapke paas hai, you get very good examples. Suppose a bucket. जिस बाल्टी में आज से आप नहाते हैं वो भी एक कोन का फ्रस्टम ही होता है. मतलब एक कोन, पहले कोन होता है, उसमें से कटिंग कर ली जाती है ऊपर से. तो दो रेडियस होता है, लोअर रेडियस और अपर रेडियस, इनके बीच में डिफरेंस होता है. अगर लोअर रेडियस ज़्यादा है R1 है, और तो अपर रेडियस R2 कम होगा. मतलब एक ज़्यादा होता है एक कम होता है. R1 एंड R2 दीज आर द रेडियस. R1 is the radius of this lower portion and R2 is the lower radius of the upper portion of the frustum. H is the straight height or height and L is the slant height. तिरछी ऊंचाई इसकी L है. तो ये कई चीज़ आपको जानना पड़ेगा. R1 क्या होता है, R2 क्या होता है. ऊपर जो है R2 है, नीचे R1 है. यहाँ पर H जो है वो हाइट है, स्ट्रेट हाइट है. L इसकी L आप है, इट्स स्लैंट हाइट, तिरछी ऊंचाई L है. नाउ ये आपको सब मिलेगा 252 में पेज नंबर. अब हम आई विल डिस्कस सम फॉर्मूला. तीन फॉर्मूले हैं जिसके ऊपर ये सारा एक्सरसाइज डिपेंड करता है. 13.4 में 5 सम्स हैं. उन 5 सम्स में ये सारे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला. देखिए, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इसका फॉर्मूला देख लीजिए. 1/3 πH एंड विद इन ब्रैकेट्स R1² + R2² + R1R2. सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन. इसका कोन का वॉल्यूम है फ्रस्टम, जितनी कैपेसिटी कह सकते हो. सो या वॉल्यूम कह लो, इसके अंदर कितना स्पेस है, दैट इज गवर्न बाय दिस फार्मूला 1/3 πH ओके मल्टीप्लाइड बाय R1² + R2² + R1R2. नाउ द CSA, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, CSA मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द ए कोन. देखिए, कर्व सरफेस एरिया ये आपका ये पूरा एक कर्व सरफेस एरिया, जैसे कोन में तो फ्रस्टम ऑफ कोन में भी एक ही कर्व सरफेस एरिया है, ऐसे राउंड में होता है. और ये दो फ्लैट सरफेस है,
तो टोटल इसके अंदर थ्री सरफेस हो गए, जबकि कोन में टू होते हैं, एक बॉटम वन और एक आपका साइड में जो होता है, मतलब इस तरह से कर्व सरफेस है। और यहाँ साइड में कर्व सरफेस है लेकिन यहाँ टॉप पे भी है क्योंकि आपने प्लेन से काटा है, टॉप बॉटम थ्री सरफेस। सो फ्रस्टम ऑफ ए कोन कंसिस्ट ऑफ थ्री सरफेसेस, वन इज कर्व्ड एंड टू आर फ्लैट सरफेसेस, टॉप एंड बॉटम आर द फ्लैट सरफेसेस। नाउ सी एस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन, मतलब ये आप इस इनको हम वी आर नॉट कंसिडरिंग फ्लैट सरफेस, ओनली ये जो कर्व्ड है कर्व शेप में इसके कंसिडर करेंगे। इसका फॉर्मूला ये है, अब देख सकते हैं पाई पाई मल्टीपल मल्टीप्लाइड बाई आर वन प्लस आर टू इंटू एल, वेरी सिंपल फार्मूला है, पाई मल्टीप्लाइड बाई आर वन प्लस आर टू, इसको ऐड कर लीजिए आर वन आर टू को और एल से मल्टीप्लाई करिए, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा सी एस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द ऑफ ए कोन, वेयर एल इज स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन गिवन बाई द फार्मूला। ये फार्मूला एल निकालने का, अगर आपका आर और एच दिया है एल नहीं दिया है, यस आर मीन्स योर दिस वन आर वन आर टू दिया है और एच दिया हुआ है, एल नहीं दिया है तो हम एल ऐसे निकाल देते। कभी कभी क्या होता है सब में एल डायरेक्ट देते हैं, कभी कभी एल डायरेक्ट नहीं देते, आपको आर वन आर टू और एच दिया होता है, यू आर गिवन आर वन आर टू एंड एच, यू कैन फाइंड आउट एल बाई दिस फार्मूला, एस एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर वन माइनस आर टू होल स्क्वायर, दिस इज अ फार्मूला फॉर द स्लैंट हाइट ऑफ द दिस स्लैंट हाइट ऑफ दिस फ्रस्टम ऑफ ए कोन। नाउ टी एस ए टोटल सरफेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन, इसके लिए ये फार्मूला है, ये थोड़ा मुश्किल है फिर भी आप इसको लर्न करना पड़ेगा बाई हार्ट, पाई अपॉन आर वन प्लस आर टू, पाई अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर, आई हैव फॉरगॉटन टू राइट स्क्वायर हियर, सो इट शुड बी पाई आर टू स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से यू कैन डू द एक्सरसाइज। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट सम बिफोर यू, ओके, हियर इज द फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 13.4, पेज नंबर 257। आई एम रीडिंग आउट द सम, अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर, द डायमीटर ऑफ इट्स टू सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो ये एक ग्लास, कोई भी ग्लास हो, खाली ये ग्लास नहीं, जनरली वो फ्रस्टम ऑफ ए कोन होता है। अब देखते हैं ग्लास की ऐसी शेप होती है, एक कोन का फ्रस्टम होता है, कोन उल्टा कोन है उसका फ्रस्टम होता है, कोन को उल्टा करके उसका फ्रस्टम काट लिया जाता है तो वो बन गया आपका ग्लास, या ऊपर चौड़ा वाला रहता है नीचे सकरा वाला रहता है सरफेस, जो प्लेन सरफेस है। ये आई हैव रिटन हियर एच इज 14 सेंटीमीटर, आर वन शुड बी ग्रेटर देन आर टू, फॉर्मूले में आर वन इज 2 सेंटीमीटर एंड आर टू इज 1 सेंटीमीटर, फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के इसको निकाल सकते हैं। नाउ आई एम राइटिंग द पैरामीटर्स एंड देन फॉर्मूला देन वी विल डू इट। तो फ्रस्ट ये आपको वॉल्यूम निकालना, कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ ए कोन है ग्लास है, यहाँ पर इट इज ग्लास, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन 3 पाई एच विद इन ब्रैकेट्स आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर वन आर टू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फॉर वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो यू नो एवरीथिंग, एच इज गिवन हियर, हाइट इज गिवन हियर 14 सेंटीमीटर, आर वन इज 2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द अपर सरफेस एंड आर टू रेडियस ऑफ द लोअर फ्लैट सरफेस 1 सेंटीमीटर। तो बस इसे पुट करिए और आंसर निकालिए, 1/3 × 22/7 इट इज गिवन एंड एच हियर इज 14
आर वन स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर वन स्क्वायर इंटू टू मल्टीप्लाई वन. डायरेक्ट आंसर यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर. कट गया टू से तो यहाँ आ गया आपका फोर प्लस वन प्लस टू तो यू विल गेट वन अपॉन 22 फोर जा तो यू विल गेट हियर 44 इंटू सेवन. फोर प्लस वन प्लस टू इट कम्स सेवन कम्स आउट टू बी सेवन अपॉन थ्री तो यू विल गेट 28 टू 308 अपॉन थ्री 308 अपॉन थ्री. नाउ आंसर इज 102.67 और इन योर आंसर इट इज गिवन आंसर एज यू कैन इन फ्रैक्शन फॉर्म सो यू विल गेट द आंसर फॉर दिस इज इन सेंटीमीटर क्यूब. आइदर राइट आंसर 102.67 सेंटीमीटर क्यूब और 102 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब. दिस विल यू विल गेट द आंसर इन योर ओके डेज डिस्कशन. टुमारो आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हियर इज द सेकेंड सम ऑफ एक्सरसाइज 13.4 ऑन पेज नंबर 257 ऑफ एनसीईआरटी बुक. हियर क्वेश्चन नंबर 2. आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट. द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम. सी हियर आई हैव ड्रॉन द पिक्चर हियर. लुक हियर. स्लैंट हाइट मीन्स दिस हाइट ऑब्लिक हाइट इंक्लाइंड हाइट दैट इज योर 4 सेंटीमीटर. स्ट्रेट हाइट इज ऑलवेज लेस देन द स्लैंट हाइट. तो स्ट्रेट हाइट नहीं देखा इट इज नॉट गिवन. यू हैव गिवन द स्लैंट हाइट एज 4 सेंटीमीटर और उससे क्या हो आपका इजी हो जाता है फॉर्मूला. कर्व सर्फेस एरिया निकालने का तरीके में आपको डायरेक्ट आ जाता है एल. एल मीन्स हियर स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट का आपका उसमें यूज हो जाएगा और यू विल बी इट विल बिकम इजियर फॉर यू. नाउ द पेरीमीटर ऑफ इट सर्कुलर एंड्स. देखिए बड़ा सर्कल नीचे है मान लीजिए इसका 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर है रेडियस नहीं है. इट्स पेरीमीटर दैट मीन्स ये सर्कल है नीचे वाला एंड जैसे ग्लास में होता है या बाल्टी में होता है. इट इज सर्कल ऑफ रेडियस 18 सेंटीमीटर. बॉटम सरफेस एंड टॉप बोथ सरफेस आर फ्लैट. तो बॉटम फ्लैट सरफेस दिस रेडियस इज 18 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ टॉप फ्लैट सरफेस इज 6 सेंटीमीटर. सो यू कैन कन्वर्ट इन टू रेडियस. दीज आर सर्कमफ्रेंस 18 एंड 6 सेंटीमीटर. सो यू नो द फॉर्मूला. सर्कमफ्रेंस इज द 2 पाई आर. आर इज रेडियस. तो यू कैन फाइंड द कन्वर्ट इन टू रेडियस. तो यू कैन लोअर वन इज आर वन. 2 पाई आर वन इज इक्वल टू हियर टू सॉल्यूशन. 2 पाई आर वन इज लोअर सरफेस दैट इज इट्स रेडियस इट्स पेरीमीटर इज बिगर दिस इज 18. सो यू कैन राइट आर वन हियर इन टर्म्स ऑफ पाई 18 अपॉन 2 पाई. सो 2 पाई आर यू नो रेडियस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू पेरीमीटर सॉरी सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रेडियस. सर्कल दिस सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू आर इज दिस सर्कमफ्रेंस. आर इज द रेडियस. आर वन कीप हियर ब्रिंग 2 पाई अंडरनीथ 18 यू विल गेट दिस वन एंड
कैंसिल आउट दिस तो यू विल गेट 9/5 cm. आई रिटन हियर 9/5 cm इज द रेडियस ऑफ द बॉटम सर्कुलर सरफेस. नाउ अगेन सिमिलरली 2πr2 दिस इज द स्मॉलर रेडियस इज इक्वल टू पेरीमीटर इज हियर गिवन 6 cm. ओके तो पुट इट हियर 6. यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट r2 दैट इज 6/2π कैंसल्स आउट तो 3/π cm. आई हैव रिटन हियर 9/π एंड दिस इज योर 3/π. दिस इज द रेडियस. नाउ यू हैव गॉट द डायरेक्ट फॉर्मूला. आई एम राइटिंग हियर CSA. CSA मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द फ्रस्टम. तो आपने अभी आपको कराया था इसका फॉर्मूला लिखाया था. CSA का फॉर्मूला होता है पाई R1 + R2 इंटू एल. एल इज हियर स्लैंट हाइट दैट इज गिवन 4 cm. तो बड़ा आराम से आप कर सकते हैं. पाई इज 22/7. R1 इज हियर 9/π प्लस R2 इज हियर 3/π. L इज हियर योर स्लैंट हाइट 4 cm. यू कैन डू लाइक दिस 22/7, 12/π और यू कैन रादर राइट पाई हियर. यू नीड नॉट डू बिकॉज पाई विल कैंसिल आउट अननेसेसरी स्टेप. तो राइट पाई डोंट कन्वर्ट बिकॉज पाई विल कैंसिल आउट इनटू 4. पाई एंड पाई कैंसिल आउट 4 12 4 जा 48. तो 48 दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन फ्रस्टम ऑफ ए कोन. सो दिस योर आंसर. आई एम फिनिशिंग फॉर टुडे. आई विल डू नेक्स्ट टाइम फ्रॉम टुमारो.